हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको 110 साल पूरे हो चुके हैं। 110 सालों में फिल्म से आधारित जो हमारी डाक पोस्ट पोस्ट खाता जो है, उन्होंने जितने भी डाक टिकट हमारे पर निकाले थे, जैसे मधुबाला जी, किशोर कुमार जी, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हर्षवर्धन राय बच्चन जी, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमारे डाक विभाग ने जितने भी डाक टिकट निकाले थे, हिंदी, मराठी और साउथ और हॉलीवुड के, ऐसे 110 सालों का कलेक्शन मेरे पास है। और इंडिया बुक के किताब से भी मुझे नवाजा गया है। इंडिया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सब में पहला जो डाक टिकट निकाला था, इंडिया की जो फ्लैग का, जो उसका भी कलेक्शन मेरे पास है, पोस्ट कार्ड्स है मेरे पास में। और इंडिया में जितने भी पहले जैसे टेलीग्राम्स होते थे, टेलीग्राम और ये सब चीज़ों का मेरे पास कलेक्शन सर, आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, उनके बारे में हमें बताएं। है। जैसे लाइफ में देखिए, आप जब भी कोई काम करते हो तो चैलेंजेस, हर एक इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसको मुझे फेस करना था। क्योंकि पहला चैलेंज ये था कि जब डाक खाता जो है, जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इन चीज़ों को बंद कर चुके हैं। जब हमारा एक्चुअली ये सब चीज़ें होती थी 90s 80s के दौर में, जब ये फिल्म पे आधारित जितने भी डाक टिकट निकलते थे उस समय में निकलते थे। अब डाक जो पोस्ट डिपार्टमेंट है इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करता और ये सब चीज़ें काफ़ी कम आती हैं। तो एक सब में पहला चैलेंजेस था कि अगर ये पोस्ट ऑफिस अगर ये चीज़ें बंद कर देगा तो हम इसको कलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो सब में पहला ये चैलेंजेस था, तो मैंने ये सब चीज़ों का कलेक्शन किया। थैंक यू।